नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। और आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत खुराट बाज़ार में। और खुराट बाज़ार में एक इकौना मीरपुर के एक भाई साहब हैं, वो कुछ बताएंगे ऐसा चीज़ जो मोदी योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार की बातें तो होती है ख़त्म करने की, लेकिन हो नहीं पाती है। और लोग फर्जी मार्कशीट लगा करके नौकरी पा जाते हैं, DM, SP, मुख्यमंत्री, थाने डखाने के लोग कुछ नहीं कर पाते। आखिरकार शासन प्रशासन मौन क्या है, सोया क्यों है, आखिरकार कोई पैसा तो नहीं इसमें खा लिया है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ के सरकार में ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि कार्रवाई होती है, आए दिन बुलडोजर चल रहा है। आखिरकार इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी और ये कब जेल जाएंगे, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वानंद यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एकौना घाट के रहने वाले हैं। एकौना घाट किस जिले में पड़ता है? मऊ डिस्ट्रिक्ट में। और तहसील कौन है? तहसील मऊनाथ भंजन है, थाना मोहम्मदाबाद है। तहसील आपका मऊनाथ भंजन? मऊनाथ भंजन है। अच्छा, ये बताइए ये पूरा मामला शुरू से बताइए। शुरू से उसके हम जब मैंने था पाया कि क्या नाम है उन लोगों का जो फर्जी लगाया, उसका नाम भुल्लन यादव है। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम दर्शन यादव है। उनके ग्राम सभा का नाम? ग्राम सभा एकौना है। कहाँ नौकरी कर रहे हो? वो नौकरी जो है मलट्टी में कर रहे हैं। किस जगह कर रहे हैं? बनारस में। कितने दिन नौकरी पाए हो गया? अरे उनको पाए लगभग, अब रिटायर हो चुके हैं, उसके समय आ चुके हैं। रिटायर की समय आ चुका जी जी जी। कितना साल हो गया? अरे उनको नौकरी के करते हुए 17 वर्ष हो गया। 17 साल हो गया जी जी। उनकी कितनी हो गई? अरे उम्र उनकी करीब हम जानते हैं कि समय 40 के ऊपर है। आप पूरा मामला बताइए, कैसे कैसे नौकरी पाए, कैसे कैसे क्या पूरा मामला है, किस सरकार में पाए हो? वो शुरू से 1998 में वो भर्ती हुए हैं। उनका जो है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो है 1772 है स्कूल में। वो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर 8 की और टेड मैन में, पहले वह व्यक्ति जो है कुक में हुआ, फिर उसके बाद 9 महीना ट्रेनिंग कर छोड़कर भागा, फिर उसके बाद वह फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर फिर नाई के पद पर, टेड मैन में नाई के पद पर 98 में भर्ती हुआ है। जब मुझको पता चला तो मैं माननीय जिला। आपको कब पता चला? मुझे पता जो है साल भर पहले चला, तो साल भर से मैं लगा हूँ। साल भर से आप लगे हैं जी। आपको बता दें योगी मोदी जी के सरकार में देखिए ये ऐसे ऐसे लोग हमको आप दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से कि जो साल भर से दौड़ रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आखिरकार अधिकारी कर्मचारी क्या सो रहे हैं? और हर तरह भ्रष्टाचार योगी आदित्यनाथ के सरकार में एकदम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आखिरकार ये बस बुलडोजर की बात होगी कि और कोई बात होगी? आइए फिर जानते हैं क्या मामला है और आगे फिर क्या है। आगे यह है कि मैंने जिलाधिकारी महोदय को पत्रक दिया, कप्तान साहब को पत्रक दिया, तो कप्तान साहब भी CO साहब को लिखे जाँच के, लेकिन अब तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। थानाध्यक्ष को फिर वहाँ गया होगा? हाँ, थानाध्यक्ष को गया। कौन थानाध्यक्ष थे इस समय? उस समय भी शैलेंद्र सिंह थे, आज भी शैलेंद्र सिंह हैं। जाते हैं तो क्या बोलते हैं? वो शैलेंद्र सिंह नहीं जाते हैं, जाते हैं हम उनकी जात जो है उमेश कुमार SI करते हैं। उमेश कुमार SI जी? उमेश कुमार क्या है आगे उनके? दरोगा हैं। उमेश कुमार यादव हैं कि क्या? नहीं, उमेश कुमार हैं। उमेश कुमार हैं जी। कौन थाना के हैं? मोहम्मदाबाद के। मोहम्मदाबाद थाना के चौकी इंचार्ज हैं कोरिया पार के। ये उमेश कुमार जी चौकी इंचार्ज कोरिया पार जी। और जाते हैं तो फिर क्या होता है? वो कहते हैं कि हमारे यहाँ का मामला नहीं है, मामला जो है सैनिक का है, सैनिक विभाग से आप जाँच कराइए, यही कहकर। और उल्टा इनके विभाग का मामला नहीं है तो कैसे कप्तान साहब CO को भेज दिए और CO साहब SO को भेजे और SO साहब SI को भेजे? आखिरकार उमेश कुमार सिंह कहीं पैसा तो नहीं खा लिए हैं? पैसा खाइए उमेश कुमार। पैसा कितना खाए हैं? अरे उससे हम जानते हैं, एक बार 50,000 से ऊपर ज़्यादा रुपया खा चुके हैं। उसके बाद? उसके बाद फिर पैसा लिए हैं तो गलत रिपोर्ट लगाते हैं बार बार। रिपोर्ट गलत लगाते हैं? यही लगाते हैं कि इनके हमारे पर दिखाते हैं कि इनके पर जो है आपको, आपको, आपको बता दें अगर उमेश कुमार जी गलत काम कर रहे हैं तो SSP महोदय को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और किसी दूसरे को बदल करके जाँच कराना चाहिए। आखिरकार ऐसे ही लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी नौकरी पाने के बाद सैलरी तो मिल रही है, करोड़ों का बंगला बना रहे हैं, 4-व्हीलर गाड़ियों से चल रहे हैं, लग्जरी गाड़ियों से, और बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं लग्जरी गाड़ी, और दुनिया भर की सिस्टम है। आखिरकार ऐसे ऐसे लोगों पे कार्रवाई कब होगी? आइए और बात करते हैं फिर आगे। क्या उमेश कुमार का क्या मामला है? मामला यह है कि उमेश कुमार हमारे पर 2021 में पुलिस द्वारा जो है, मेरी आपको बता दे रहा हूँ चैनल के माध्यम से, कि मुझे फर्जी प्रधानी के चुनाव के समय मुझे फर्जी फंसाया गया,
मेरे ही बंधु प्रधानी भी लड़े थे, लड़ने की तैयारी थी। हाँ। जिस नाते मुझे जो इस सन में 2021 में, हाँ। 2021 में प्रधानी का चुनाव था, फंसाने की कोशिश थी। अप्रैल में मेरे नाम से एक नाली बंदूक थी, जिसकी बंदूक जमा कर कर 16 अप्रैल को हमारी बंदूक जमा की जा रही है, और मेरे पास 18 तारीख को 307 का मुकदमा कायम किया जाता है, और उसी बंदूक को दिखाकर 19 अप्रैल को 2021 को मीरपुर रहीमाबाद से दिखाकर मुझे 307 लगाकर न्यायालय में भेजा गया। जेल भी गए थे आप? कितने दिन के लिए? 15 दिन मैं जेल में था, और मेरे पास उसकी सर्टिफिकेट भी है जो हमारी बंदूक जमा की। पार्टी से पैसा लिए थे? जी। कितना लिए थे? उनसे लिए थे 1,00,000 रुपया आपको फंसाने के। जी, वो नीरज पाठक एसओ थे, वही सर हमको फंसाए। नीरज पाठक, वो भी पैसा लिए थे? जी, वही पैसा लेकर हमको फंसाए। तो है नहीं, नहीं इस समय मिर्जापुर में मेरे प्रकरण में वो जो है लाइन हाजिर हो चुके हैं। मैं उसकी विजय राजभर जी के विधायक जी थे, उनके पैर पर मैंने लगाकर कप्तान साहब को और DIG साहब को मैंने। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं तो चूंकि कांग्रेस पार्टी का पूर्व जिला सचिव भी रह चुका हूँ, और इस समय किसी पार्टी में मैं नहीं हूँ। और फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद जो है हमने जांच कराने के लिखा, तो कप्तान साहब जी CO मोहनदाबाद के लिखे राजकुमार सिंह थे। राजकुमार सिंह इसके बाद उनको कई बार पत्रक दिए, लेकिन उस पर कोई बयान हुआ नहीं। मतलब आपके अनुसार भी जो है ये उमेश कुमार भी सस्पेंड होने चाहिए? जी, वो भी तस्वीर किया है कि हमने 19 तारीख को पकड़े गए हैं, तो हम इनको जानता हूँ और पहचानता हूँ। योगी जी को भी? मैंने ऑनलाइन भी एप्लीकेशन योगी जी को जी दिया हूँ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। बार बार सूबे का, उत्तर प्रदेश के सूबे का सख्त मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुन रहे हैं। आखिरकार योगी आदित्यनाथ के सरकार में उनकी भी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। पुलिस प्रशासन के लोग इतना चढ़ बढ़ गए हैं, इतने पैसे खा रहे हैं। योगी जी से भी मैं भी मांग करूंगा, मेरा सुपर फास्ट न्यूज़ भी मांग करेगा कि हर तरह मैं भ्रष्टाचार आपको दिखा रहा हूं। मुझे भी खतरा है और हमारे लोगों को भी खतरा है। आपको बता रहा हूं कि योगी जी हर थाने में विजिलेंस रखिए, LIU सही रिपोर्ट दे, कार्रवाई करिए, नहीं तो आपका 5 साल का जो ये सरकार दोबारा बना है ये जीवन में कभी नहीं बन पाएगा। आइए फिर बात करते हैं बबुल भाई से, आगे फिर और बताइए। आगे फिर हमने जब इसकी जांच कराने लगा भुल्लन यादव का, तो सितंबर 2021 में ये और इनके चारों भाई हमको मिलकर घर में मारे। उनके कौन मारा? मारने वाले थे भुल्लन यादव, तीरथ यादव, आर्यन यादव और सीरी यादव। उनके खिलाफ मुकदमा किया? उनके खिलाफ मैंने मुकदमा लिखवाया। क्या हुआ उसमें? उसमें जो है वो लोगों पर 323, 504, 506, 452 लगा। जेल गए थे वो लोग? वो जेल नहीं गए थे, खड़े खड़े उन लोगों की जमानत हो गई। उसके बाद फिर मैं जब जांच करा रहा हूँ, तो फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ऑनलाइन आवेदन किया हूँ, जिस पर क्षेत्रीय दरोगा जो हैं उमेश कुमार लिखे हैं कि इनके और इनको पत्नी को जिला कारागार में 307 और 30 एक्ट में भेजा गया। ये फर्ज पुरानी रंजिश, पत्नी भी जेल गई थी और पुरानी रंजिश को 15 दिनों भी थी? नहीं, उन्हें क्यों पत्नी जेल गई थी? पत्नी को भी उसमें मुलजिम बनाया गया था। आपको देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ के सरकार में महिलाओं की जो सुरक्षा नहीं हो रही है, और राजनीतिक द्वेष कारण जो है ये पुलिस प्रशासन के लोग ऑटोमेटिक जो है महिलाओं को भी लपेट दे रहे हैं। इनके ऊपर जांच होनी चाहिए, और योगी आदित्यनाथ की सरकार अगर ठीक से जांच करेगी और SP महोदय जांच करेंगे तो ये उमेश कुमार बर्खास्त होंगे। आइए और आगे क्या है? उसके बाद मैंने जब ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी को 19 तारीख को जन सुनवाई के माध्यम से मैंने ऑनलाइन किया, तो उस पर उमेश कुमार जी जो है 5/9/5/10 को रिपोर्ट लगाए हैं कि जो है पुरानी रंजिश से विपक्षी को ये फंसाने के लिए और मुकदमा लिखवाने के लिए ये असत्य जो है एप्लीकेशन डाल रहे हैं। मैं जांच करा रहा हूँ, तो मैं लिखा उसमें कि मेरी आत्महत्या होने की संभावना है। मैंने मांग की धमकी होंगी? धमकी बार बार मिल रही है कि आप क्या कहते हैं लोग? कह रहे हैं कि आपको जान से मार दिया जाएगा। चारों भाई क्या करते हैं? वो चारों भाई जो है, 3 भाई घर रहते हैं, एक वो जो है इस समय खोराट में अपना मकान भी बनवा लिया है भुल्लन यादव। क्या करता है भुल्लन यादव? भुल्लन यादव यही है इस समय है खोराटे में। क्या करता है वो? कुछ नहीं, भाड़ा पर और रूम दिया है। क्रिमिनल तो नहीं है? नहीं, क्रिमिनल तो अब तो क्रिमिनल ही ना है। जब हमारे पास उसके मुकदमा, उसके पास एक बार फिर वो हमसे झगड़ा किया, तो उसके पास फिर 504, 506 उस पर फिर भैया लगा है, लेकिन कोई न्याय जो है हो नहीं रही। सरकार में कोई न्याय नहीं? कोई नहीं, नहीं कोई नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं सरकार? मैं यही चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से
कि मुझे न्याय दिया जाए और जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए और समाज में। अगर जांच नहीं होती, न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, या चाहे आत्महत्या के अलावा और कुछ तो बचेगा नहीं। आपके परिवार के लोग, आपकी फैमिली, आपकी पत्नी क्या कहते हैं इस बारे में? वही कहते हैं कि अगर नहीं हम लोग को न्याय मिलेगी तो हम लोग कहीं चलकर आत्महत्या कर लिया जाएगा, या चाहे गांव छोड़कर चला जाएंगे हम लोग कहीं। आप देख रहे हैं कि अत्याचार इस कदर बढ़ गया योगी आदित्यनाथ के सरकार में कि ऐसे ऐसे लोगों को फर्जी फंसाया जा रहा है। आखिरकार इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी और कब ये इनके प्रशासन कार्रवाई करेगा और कब कार्रवाई होगी? और एसपी महोदय, देखते हैं सुपरफास्ट न्यूज़ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं एसपी महोदय को कि इस पर कार्रवाई हो। और मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं इनको जो है सबके साथ जो है न्याय करना चाहता हूं। इनके साथ भी न्याय, उस पार्टी के साथ भी न्याय हो, जो सही हो वही हो। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट न्यूज़। नमस्कार, विष्णुदेव सोनकर कैमरामैन के साथ, मैं अभिषेक मिश्रा।